नमस्कार, मैं हूं रमन मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, जिस दिन जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति UP SSC के द्वारा प्रकाशित की गई थी, उसी दिन हमने उस वैकेंसी के सारे डिटेल के बारे में बात की थी। नंबर ऑफ सीट क्या है, कैसे कैसे वैकेंसी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और उसमें मैंने एक चीज आपसे जिक्र की थी कि इसके बाद का जो आपका एक तरीके से लेक्चर होगा, जो आपकी नई सीरीज आएगी, उसमें हम बात करेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए यानी स्ट्रेटजी, और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि पुरानी परीक्षा में जो विषय शामिल थे वो विषयवार क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो आप एक बार तैयार हो जाएं पूरी तरीके से मेरे साथ, और 10 से 15 मिनट में ही आप पूरा एनालिसिस देखें, आगे की रणनीति देखें, क्योंकि परीक्षा में सफलता पुराने पेपर को देखकर, नए बदलावों को सीखकर और अपनी एक अच्छी रणनीति बनाकर ही अर्जित की जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरानी परीक्षा का विषयवार विश्लेषण, और नई परीक्षा जो अभी 2019 में आई है, उस 2019 की परीक्षा के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अहम बात बता दूं आपको, 2016 की जो वैकेंसी इससे पहले UP SSC ने जूनियर असिस्टेंट की करवाई थी, वो वैकेंसी के बाद अभी 2019 में आपका 31 में या जून में फिर से एक पेपर करवाया है इसने, जूनियर असिस्टेंट, वही 2016 वाला। तो हम दोनों पेपर का एक बार जो है एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि 2016 में जो पेपर इसने करवाया था और 2019 में जो अभी पेपर एक हुआ है यानी 2016 वाला ही, और अगला जो ये वैकेंसी आई है इसके लिए 2019 में जो अगली वैकेंसी आपकी होने जा रही है नई परीक्षा, इसके लिए क्या क्या आपकी तैयारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2016 की और 2019 जो इसने अभी 2016 पेपर करवाया, इन दोनों में कुल प्रश्नों की संख्या, आपकी कुल प्रश्नों की संख्या 80 थी, ठीक है, कुल प्रश्न 80 आए थे, ठीक है। एक प्रश्न जब सही उत्तर देते थे तो इसके लिए जो आपको मार्क्स मिलते थे कि सही नंबर, ये नंबर रखे गए थे 1/2 या 0.50 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नकारात्मक प्रावधान अभी तक इस परीक्षा में देखने को नहीं मिला है, नकारात्मक प्रावधान गलत उत्तरों के लिए नहीं था अभी तक, ठीक है। यही चीज हुई किसमें, ये 2016 की वैकेंसी जब आई थी, और दूसरी वैकेंसी जो 2016 वाली जो है निरस्त हुई और 2019 में हुई, दोनों में एक रवैया चला। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछी गई। तो इसमें अगर हम बात करें दोनों में सब्जेक्ट्स की, कि विषय आपके कौन कौन से पूछे गए, किस विषय से कितने प्रश्न रहे, तो इन पर एक बार नजर डालते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो आपका मार्किंग का पेपर है, सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है हिंदी, हिंदी के 40 प्रश्न पूछे गए थे 2016 वाले में भी, 2019 वाले में भी, जो 2016 की परीक्षा हुई हिंदी के 40 प्रश्न। दूसरा इसमें जो विषय शामिल था, केवल 3 विषय इसमें शामिल हैं, अगले में भी जो इस बार आई है उसमें भी 3 विषय होंगे, हिंदी के 40 प्रश्न थे। दूसरा सेक्शन आपका आता है रीजनिंग का, रीजनिंग के 20 प्रश्न थे इसमें, रीजनिंग के जो प्रश्नों की संख्या थी ये 20 प्रश्न थे। और तीसरा पोर्शन आपका आता है एक तरीके से जीएस के जो प्रश्नों की संख्या थी वो भी 20 थी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला आपका पोर्शन है हिंदी। अब हिंदी का पेपर या इन दोनों पेपर में हमें सीखना क्या है, जानना क्या है, इस चीज पर उसी के हिसाब से आपकी रणनीति होगी। तो मैं कंपेयर करूंगा 2016 की वैकेंसी जब ये हुई थी, ठीक है, उस दौरान पेपर में क्या पूछा गया था, हिंदी सब्जेक्ट में क्या पूछा गया, और जब दोबारा कैंसिल होकर अभी 2019 में जब नया UP SSC का गठन हुआ तो इसमें प्रश्न किस प्रकार पूछे गए। सिलेबस वही, लेकिन प्रश्नों के अंतर में इतनी ज्यादा विविधता है कि इस बार का जिन्होंने पेपर दिया है, जिनके हिंदी में अच्छे खासे मार्क्स आते थे 40 में जो 35 प्लस सही करते थे, इस बार 25 और 28 के बीच आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नई जो आपकी परीक्षा हुई इस नए UP SSC में, उन्होंने उस पैटर्न पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था कि कैसे कैसे हिंदी का सिलेबस में उसने बदलाव कर दिया। हालांकि उससे पहले कई परीक्षाएं आपकी हो चुकी थी, उन परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी करना होगा हमें, और नई जो वैकेंसी आई है इसमें सफल होने के लिए आपको मैं जिन जिन बिंदुवार जिन जिन पॉइंट्स को रख रहा हूं उन उन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम
इसकी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों ये जो बैच होगा ऑफलाइन भी आप हमारे कोचिंग सेंटर पर चलता है अलीगंज पुरनिया में, और ऑनलाइन भी आपको सारी कक्षाएं देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारा लोअर के लिए हम एक नई पूरी सीरीज शुरुआत कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज भी हम कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है। आप जिस माध्यम से टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उस माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, और ऑनलाइन देना चाहें तो आप हमारे पैनल पर नीचे आपके वीडियो में आता होगा मेड योर एग्जाम इजी ऑनलाइन टेस्ट पैनल .com, आप उस पर जाकर रजिस्टर करके वहां से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये दोनों विषय 2016 में और 2016 की परीक्षा जो 19 में हुई उसमें बदलाव क्या रहे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा क्योंकि सफलता यहीं से अपने आप अपना मार्ग प्रशस्त करने की ओर अग्रसर होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आप समझेंगे कि दोनों में विशेष अंतर आया क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हिंदी विषय से। हिंदी विषय में क्योंकि 40 प्रश्न इसके थे, इसमें भी हिंदी विषय के 40 प्रश्न थे, दोनों में क्या अंतर रहा मैं उस चीज को आपको बहुत सरलता से बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ सकें। हिंदी में वही माइनस हाफ इसकी मार्किंग थी, मतलब प्लस हाफ इसकी सेम थी, निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें अगर देखें हिंदी में साहित्य से सवाल पूछा गया था, ठीक है, दूसरा बोली से संबंधित सवाल था, बोली उपभाषा इन सबसे, साहित्य से लगभग मतलब रचनाकार और इन सभी को हम मिला ले तो 7 प्रश्न थे। ठीक है, कई रचनाकार पूछे थे और हिंदी साहित्य से जुड़े अलग अलग चीजें इसने पूछा था, उपन्यास सब कुछ इसमें शामिल है, 7 प्रश्न आए थे। बोली से अगर देखा जाए तो 4 प्रश्न बोली से संबंधित थे, उसके बाद अगर हम जो है ऐसे उनको देखें क्रिया से संबंधित सवाल पूछा गया था, विशेषण से सवाल था, इन दोनों टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, क्रिया से 2 सवाल पूछे गए थे और विशेषण से 1 सवाल आपका पूछा गया था। आगे हम देखें व्याकरण की कोटि से भी 1 सवाल यहां पर पूछा था, व्याकरण की कोटियां जो होती हैं खासकर कारक से 1 सवाल इसने पूछा था, अलंकार इसमें पूछा गया था, अलंकार से 1 प्रश्न था, दूसरा टॉपिक देखें रस से 1 क्वेश्चन था, छंद से क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे, 2 प्रश्न छंद से थे। वहीं और पॉइंट्स इसमें अगर देखें समास से 2 सवाल पूछे गए थे, अगला पॉइंट देखें गद्यांश 1 दिया था, यह गद्यांश बहुत आसान दिया था उस दौरान, ठीक है, जब 2016 में पेपर हुआ था, और 2016 में जो पेपर हुआ था यह 24/4/16 को हुआ था यह पेपर, ठीक है, उस पेपर के बारे में मैं एनालिसिस बता रहा हूं। गद्यांश आया था, इससे 5 सवाल संबंधित थे, बहुत आसान से सवाल थे जिनका हमें जवाब देना था। और उसके बाद देखें त्रुटि से संबंधित सवाल इसने पूछा था 2016 वाले पेपर में, 5 क्वेश्चन आए थे जिनमें हमें त्रुटियां बतानी थी वाक्यों में, त्रुटि देखकर वहां पहचानना था। उसके बाद अगर हम बात करें समानार्थक वाक्य एक तरीके से पहचानना था कि जैसे आपका मुहावरे होता है उस तरीके से था, समानार्थक वाक्य से भी आपके 5 सवाल पूछे गए थे, और उसके बाद व्यवस्थित क्रम लगाना था इनका, ठीक है, पैरा जंबलिंग इंग्लिश में आप जानते हैं, 5 क्वेश्चन इससे थे। तो ये पूरा टोटल फिगर आपका हिंदी का है 2016 में, जब 24/4/2016 को पेपर हुआ था उसमें इससे। अब बदलाव देखिए, वही पेपर बस सरकार दूसरी थी, और सरकार क्या कह सकते हैं, UPSSC का नया बोर्ड दूसरा बना, पेपर कराने की जिम्मेदारी दूसरी संस्था को आई, उसी पेपर में कितना बदलाव हुआ है हिंदी विषय में अब आप देखें। अब हम बात करते हैं जो अभी 31 तारीख को पेपर हुआ उसकी, इसमें अगर आप देखें तो प्रश्न जो पूछे गए संज्ञा से सवाल पूछा गया, 1 संज्ञा इसमें गायब थी। दूसरी चीज अगर आप देखें कारक से सवाल था, 1 सवाल इसमें कारक से पूछा गया था, लिंग से पूछा गया था 1 सवाल, सर्वनाम से 2 सवाल थे, क्रिया विशेषण से सवाल थे, 2 सवाल क्रिया विशेषण के थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। दूसरी चीज और देखें अशुद्धि से 1 सवाल पूछा था, पत्र से क्वेश्चन आपका आया था, अनौपचारिक पत्र से 1 सवाल पूछा था, इन सब में ये पॉइंट्स कहीं नहीं थे, इनमें देखें आप सारे लगभग पॉइंट्स को कवर कर रहा है। दूसरा चीज इसमें और देखते हैं वर्णमाला से 5 क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो वर्णमाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास से केवल 1 सवाल पूछा था इसमें, उसके बाद बात करें प्रत्यय से 1 सवाल था,
उपसर्ग से पूछा था एक सवाल और तत्सम से तीन सवाल पूछा था इसने। तत्सम से जो है तीन सवाल पूछा था, शब्द पहचानना था कि यह शब्द कैसा है, भाववाचक संज्ञा या किस प्रकार का है, तो शब्द पहचानने से सवाल था और इसके जो सवाल थे ये तीन सवाल थे। उसके अलावा वर्तनी अशुद्धि से सवाल था, वर्तनी अशुद्धि से एक सवाल आपका आया था, वही चीज वचन से भी एक सवाल था और वाक्य से वाक्यों को पहचानना इससे संबंधित दो सवाल थे, संधि से एक सवाल पूछा था, पर्यायवाची से एक सवाल आपका पूछा था कि पर्यायवाची हमें बतानी थी, एक सवाल इसका भी शामिल था, और इसके अलावा शब्द युग्म के अर्थ बताने थे, दो शब्दों के युग्म दिए जाते हैं उनके अर्थ से दो सवाल इससे संबंधित थे, एक सवाल आपका पूछा था वृत्ति से, वृत्त पक्ष, इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक सवाल यहां से। और दूसरी चीज दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी पूछा है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के आपके दो क्वेश्चन थे और दूसरा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद से संबंधित भी आपके सवाल पूछे थे, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद यह पूछा था एक क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बदलाव दोनों में रहा, 2016 की जो परीक्षा हुई वही कनिष्ठ सहायक कैंसिल होकर दोबारा 2019 में परीक्षा हुई, तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि दोनों में इसने कितने ज्यादा इसमें नंबर ऑफ टॉपिक 40 क्वेश्चन को कवर करने में इसने हिंदी के लगभग हर एक टॉपिक को कवर कर लिया, और इसमें अगर हम देखें कि 40 क्वेश्चन को कवर करने के लिए इसने बहुत कम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मंडी परिषद युवा विकास इन सभी के पेपर्स को उठाइए हिंदी में और एक बार अपने आप में पूरे क्वेश्चंस को आप देखिए, विश्लेषण करिए और फिर आइए कि हमें हिंदी पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको एक चीज के लिए आगाह कर दिया है कि आपको अब अपनी दिशा दिख गई होगी कि हिंदी की तैयारी करें कहां से। अगली वैकेंसी 2019 के लिए जो आई है अभी और ये जो परीक्षा होगी इसमें कहां से आपको पढ़ना चाहिए, मैं उस पॉइंट पर भी आता हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हिंदी के अलावा मैं आपको अभी एक टॉपिक और देख ले जो है बताना चाहूंगा, जीएस से संबंधित प्रश्न कहां से कैसे पूछे गए, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पर बहुत मायने नहीं रखना है, सबसे ज्यादा आपका जो बेस्ट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के जीएस के लिए सिलेबस जो है इसका कुछ तो पॉइंट्स आपके लिए बहुत आसान है जहां से आप नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि 20 में 20 करने की आप कोशिश करें, आप हिंदी में 40 में 38 प्लस लाने की कोशिश करिए और यह बहुत ही आसान है। वही चीज अगर हम बात करें इसका तीसरा पोर्शन इसका जो होता है कनिष्ठ सहायक का रीजनिंग है, रीजनिंग आप जानते हैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस देंगे, लेकिन सावधानी उसमें भी बरतना है क्योंकि आप वीडियो का पेपर उठाएं, युवा विकास का उठाएं, ये जो रीजनिंग अब पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एससी वही रीजनिंग इसमें भी आएगी, इसका भी आप रीजनिंग का पोर्शन देखेंगे तो रीजनिंग बहुत लेंदी तो नहीं दिया है लेकिन रीजनिंग कैलकुलेटिव है, हालांकि इसमें 20 ही प्रश्न आए थे तो इसलिए आप उसको आसानी से। अब हम देखते हैं जीएस के पोर्शन को लेकर के, आपको मेरे अनुसार या आप स्वयं समझ चुके हैं कि किस क्षेत्र में हमें अपनी सारी ऊर्जा लगानी है और सफलता अर्जित करने के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या होगा। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हैं कि हिंदी ही आपका कल्याण कराएगी, यानी नैया पार हमारी हिंदी लगाएगी। इसके बाद अब हम एक पोर्शन जो आपका बचा है जीएस को लेकर देखते हैं, बाकी रीजनिंग की क्लासेस जिस दिन स्टार्ट होंगी उस दिन पाठक सर आपके रीजनिंग से संबंधित सारे टॉपिक बताएंगे, कैसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो डिस्कस उस दिन करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जीएस के सेक्शन, जीएस सेक्शन दोनों, इसमें क्या रहा और इसमें क्या रहा, इन दोनों सेक्शन से संबंधित हम देख लेते हैं कि जीएस तब क्या पूछा था और जीएस अब क्या पूछा है इस परीक्षा में। जीएस अगर 24/4 के पेपर की हम देखें, 24/4 में पॉलिटी से जो क्वेश्चन थे यानी राज व्यवस्था से क्वेश्चन ये चार प्रश्न आए थे, दूसरी चीज हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आपके थे, हिस्ट्री से 5 प्रश्न आए थे, करंट से केवल 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके से काफी सवाल थे 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, डांस से नृत्य से एक सवाल पूछा था, डांस से एक सवाल पूछा है, राइटर से एक बुक के राइटर को पूछा था
कि राइटर कौन है, और एक सवाल सिर्फ साइंस से पूछा था, यानी साइंस का पोर्शन इसमें बहुत कम था। तो आप ये देख सकते हैं कि 20 प्रश्न जो आए थे आपके, उन 20 प्रश्नों में जीएस सेक्शन 24/4/2016 के पेपर में कहां से था। अब हम देखते हैं कि वही पेपर जब 2019 में हुआ तो 2019 में कहां से क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी इसमें भी आपकी 4 प्रश्न थी, यानी पॉलिटी हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज हिस्ट्री, हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चंस कम हो गए और हिस्ट्री के क्वेश्चन केवल 3 बचे, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जियो से 2 क्वेश्चन थे, उसमें भी जियो से क्वेश्चन था, मैंने उसको स्टैटिक के रूप में डाल दिया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, इसमें एक पोर्शन बढ़ाया था, यूपी के 2 क्वेश्चन इसने पूछ लिए थे। और उसके बाद एक चीज पर आपको और ध्यान देना है, कंप्यूटर से भी संबंधित सवाल इसने पूछा था, कंप्यूटर से 2 सवाल इसमें आए थे। और एक क्वेश्चन इसने इन्वेंशन से पूछा था, यानी खोज से एक सवाल था। और आगे हम बात करें करंट के, अगर प्रश्न इसमें देखें तो करंट से संबंधित 2 सवाल इसने पूछे थे, और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित इसमें सवाल पूछा गया था, 2 प्रश्न इससे भी थे। तो 20 क्वेश्चन इसके आप देखिए नए पैटर्न के, और 20 क्वेश्चन इसके देखिए, आप समझ जाएंगे कि अब हमें कहां कहां फोकस। पॉलिटी दोनों में 4-4 प्रश्न है, यानी पॉलिटी पर ध्यान देना, करंट 2 क्वेश्चन रहा, करंट पर ध्यान। डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हालांकि रीजनिंग में भी आपका एक पार्ट के तौर पर आता है, इस पर ध्यान देना है आपको, यूपी और जो है कंप्यूटर लेकर, क्योंकि कंप्यूटर आजकल ज्यादा पूछ रहा है और यूपी से भी संबंधित सवाल बढ़ गए। तो यूपी, कंप्यूटर और पॉलिटी, और खासकर करंट। हिस्ट्री में जो है मेडिवल से संबंधित सवाल होते हैं और मॉडर्न से, एंशियंट से नहीं पूछ रहा है। एंशियंट आपको पढ़ना नहीं, यानी फोकस कहां पर करना है, इस चीज के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। तो आगे से अब हमारा जो अगला क्रम होगा उसमें मैं शुरुआत करूंगा हिंदी विषय से। हिंदी विषय में जितने टॉपिक्स है, हम किन किन बिंदुओं को पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैं इसके बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा। आपको स्ट्रेटजी में अभी भी जहां नहीं समझ में आता है, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, अपनी उत्सुकता को पूछें। और अगर ये चीजें आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, अपने साथ के दोस्तों को शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।